Okay, so come back to our XML elements. So this is an XML code, and somehow we are displaying it. Okay, now we know how we can display. अगर हम लोग ये जो TD है इसमें styling लगा दे तो, या फिर ये जो table है table में अगर color styling लगा दे तो table का color change हो जाएगा. Clear? So somehow we have managed to display it in this way. एंड लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जो ओरिजिनल ऑथर था इसका, इस एग्जाम्पल फाइल का, उसने क्या किया, इस एग्जाम्पल फाइल में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी. लाइक वी हैव ओनली टू फ्रॉम एंड बॉडी हेयर, सो टू फ्रॉम एंड बॉडी, बट लेटर द ऑथर ऑफ दिस एग्जाम्पल फाइल एडेड समथिंग मोर लाइक डेट एंड हेडिंग एटसेट्रा. सो वट विल हैपन, डू दिस एग्जाम्पल डिस्प्ले विल क्रैश? नो. क्या ये क्रैश कर जाएगा अगर इसमें उसने ऑथर ऐड कर? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मैं जो एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ वो एलिमेंट को उसने कुछ चेंजेस नहीं किया, उसको उसने ड्रॉप नहीं किया. अगर ऐसा होता कि उसने टू को ड्रॉप कर दिया होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन वो अगर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे तो बस ये दो ही एक्सेस करने हैं. लाइक वी हैव टाइटल, आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस एंड ईयर, इतनी सारी चीजें यहाँ पे पहले से दी गई, मैंने इसमें से बस दो को ही एक्सेस करा. Clear? So, उससे कोई क्रैश नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम्पल इज. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट. ओके, तो ये एसेंशियल है समझना, क्योंकि जनरली पीपल हैव कंफ्यूजन दैट वेदर वी शुड यूज एट्रीब्यूट और नॉट. तो एट्रीब्यूट क्या है, कभी भी किसी टैग के ओपनिंग टैग के साथ साथ जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक जेंडर इज फीमेल एंड ऑल. तो सी व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. First thing is how to write a attribute. So see, we mention gender as female in the opening tag. There may be the situation that the name itself contains some double quote. ये तो पहली बात बता दी गई है ना कि आप double quote में लिखो या single quote में लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना ही होगा. अगर नेम इटसेल्फ कंटेंट डबल कोट, देन यू हैव टू इंक्लोज इट विद ए सिंगल कोट. ठीक है, अगर ये सिंगल कोट होगा तो उसको डबल कोट में कर लेना. ओके, या फिर ये स्पेशल कैरेक्टर भी आप इंसर्ट कर सकते हो कोटेशन के लिए. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज सी दिस एग्जांपल, वी आर राइटिंग जेंडर इक्वल टू फीमेल, बट व्हाट वी आर क्रिएटिंग ए एक्सएमएल फाइल फॉर person. So person may have a name, it has a last name, it may have a gender. So why not we are mentioning gender as a element and looking it for attribute. Element mein kyun nahi likh dena ki attribute mein likha hai, possible hai na, kyunki person ki detailing ke liye mein hum log ek XML file create kar rahe hain. We can write, ab ye bol raha hai ki we can write also, it's not an issue. So next challenge ye ho gaya ki ab ye kaise samjhe ki kisko attribute mein rakhna hai aur kisko mujhe एलिमेंट्स पर रखना है ना. तो ठीक, एक और एग्जांपल दे रहा है दैट दिस इज डेट, यहां लिखा है इसने, इसको डेट को ये क्या कर सकता है, एलिमेंट में लिख सकता है, और क्या कर सकता है, डेट को और भी हायरार्किकल फॉर्म में लिख सकता है, और भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. क्लियर? बट वॉट इज W3 suggest is that to avoid attributes. जितना हो elements को use करो. Attribute तब use करेंगे जब हमारे पास compulsion होगा. कुछ है कैसे cases होंगे हमारे पास, अभी आएगा, जिसमें उन चीजों को attribute में ही रखना होगा, उसको हम elements में नहीं रख सकते, जैसे आगे का name space and etc. हो तो जो भी चीजें element cover कर सकता है उसको element में लिखो. When it is not possible to embed anything in element, then at that moment use it in as an attribute. Clear? So ab kuch limitation aur bhi hai ki attribute cannot contain multiple values, attribute cannot contain tree structure this original tha usko attribute follow nahi kar sakta. Suppose ye wala jo hai yahan se yahan tak, ye ek note ke andar bahut sara attribute ko hi likh diya maine, likhne se iska tree structure pata nahi chal raha hai ki kaun tag iske andar hai, lekin yahan pe bahut clear hai ki रूट टैग इज नोट, नोट के अंदर क्या है, एक डेट एलिमेंट है, एक टू एलिमेंट है, एक फ्रॉम एलिमेंट है.
और डेट एलिमेंट के अंदर भी तीन एलिमेंट है, ईयर मंथ एंड डे ना, तो ये एक ट्री की तरह फॉर्म हो रहा है। जैसे मेटा इंफॉर्मेशन होगा, मेटा इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं कि दिस इज मेटा डेटा, ये आपको कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं होगा जो कभी पीछा छोड़ेगा। मेटा डेटा यू शुड अंडरस्टैंड इट्स अबाउट डेट, इट्स डेटा अबाउट डेटा। ये एग्जाम्पल फाइल क्या कंटेन कर रहा है, डेटा कंटेन कर रहा है। अब जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक स्टूडेंट का डिटेल रजिस्टर जब होता है या कोई एक्सेल फाइल होगी, उस एक्सेल फाइल में क्या होगी, स्टूडेंट की सारी डिटेल होगी, यानी डिटेल्स अबाउट स्टूडेंट इन एन एक्सेल फाइल। तो ईयरली हर बैचेस के लिए, हर सेमेस्टर के लिए हम लोग एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट मार्क्स एक्सेट्रा मेंटेन करने के लिए। अब जब 10 साल बीत जाएगा तो वी हैव 120 सच डिफरेंट फाइल्स इफ वी आर मेंटेनिंग ऑन मंथली बेसिस, तो हाउ कुड वी डिटरमाइन कि कौन सा फाइल कहाँ रखा है। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर एग्जांपल, यू हैव लॉट्स ऑफ बुक इन लाइब्रेरी बट हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली सम बुक इज देयर। इफ बुक्स आर डेटा, इट इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरी और बुक सेल्फ। नाउ हाउ टू लोकेट which book is in which cell? So there is a register who says that okay, this is where, so that is data about data. Now this is containing information about where books are there actually. Okay, so that is what we need some sort of information about this elements like ID. We are using ID. This ID is exactly similar to your CSS ID. CSS में यूज करते थे ना, वैसा ही आईडी है। टू आइडेंटिफाई टैग, सो सी दीज टू टैग्स नेम आर सेम बट देयर आईडीज आर डिफरेंट। क्लियर? इट डू नॉट हैव डायरेक्ट एप्लीकेशन, इट मे नॉट हैव डायरेक्ट एप्लीकेशन। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस इज एसेंशियल, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज एन ऑप्शनल। ये जरूरी नहीं है आईडी को लिखना, अभी अभी ये समझो, कंफ्यूजन नहीं लेना है। आईडी को लिखना हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू देर आर समथिंग लाइक मेटा डेटा, इट इज देयर। व्हेन वी विल गो फॉर नेम स्पेस एंड ऑल, देयर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैंडेटरी थिंग्स दैट वी शुड एम्बेड इन एट्रीब्यूट। मैं अभी बता ये रहा था कि एट्रीब्यूट्स में हम लोग को एट्रीब्यूट्स को कम से कम यूज करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को यूज करना है, और ये सारे कुछ लिमिटेशन है जिस समय हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, और मेटा डेटा जो है वो एज एन एट्रीब्यूट यूज होता है, करना चाहिए, दैट इज एन रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द नेम स्पेस। नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सपोज देखो ये टेबल है एक, ओके अब यहाँ से तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा कि HTML में जो टेबल टैग होता है दैट इज नथिंग बट ए XML फाइल। देखो इसका एक ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है, एवरीवेयर देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, है ना, और ये TR जो है अपने अंदर TD को कंटेन करता है। दिस इज नथिंग बट एन XML, स्टोर समथिंग। ये डिस्प्ले कुछ नहीं करता है, जब तक इसमें तुम स्टाइलिंग नहीं लगाओगे ये कुछ नहीं करेगा। कुछ करेगा क्या, तुमने टेबल को डिफाइन कर दिया, इट विल नॉट डू एनीथिंग ना। अब जब तक तुमने इसको XML फाइल HTML फाइल के अंदर नहीं रखना है ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको ऐसे ही एक फाइल में लिख दो, कोई भी फाइल में इस टेबल को रख दो और उसको यूं ही डिस्प्ले करने की कोशिश करो, कुछ नहीं डिस्प्ले, बस एज इट इज ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मगर हम जिस फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो तभी होगा जब इसको हम किसी HTML में पुट करेंगे और इसको अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, तो वी हैव टू पुट सम स्टाइल स्टेटमेंट आल्सो। तो अगर इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव दीज टू टेबल्स, दिस टेबल एंड दिस टेबल, सिंस XML फाइल्स आर यूजर डिफाइंड करता है उसके नेम वगैरह एटसेट्रा सब कुछ, तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक यूजर ने मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत अलग अलग जगह से XML फाइल को ले रहा, और किसी एक ऑथर ने, किसी ने जिसने भी XML फाइल बनाया है उसने भी टेबल नेम का एक टैग रखा है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है
वो दूसरा जो ऑथर से का जो टेबल टैग है उससे अलग है, तो इस दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सम एक्स वन पर्सन का टेबल है, ये एक्स टू पर्सन का टेबल है, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये चैलेंज होगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग नेम स्पेस यूज करेंगे। क्लियर? एनी डाउट दोज हु आर ऑनलाइन? Okay, no, there's one in saying no. Prakhar, Manav, Ishan, Srivastav. Yahan se tum karke rakha hai. Arihant. ओके एंड वो जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया ना, मिल गया सबको? ऑनलाइन जो भी है ध्यान से सुनो, जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, दैट यू हैव टू सबमिट ऑन टाइम बिकॉज दिस इज नॉट माय डायरेक्शन, दिस इज गिवन बाय डिपार्टमेंट, सो आई मे नॉट हेल्प यू इन एनी वे. If you will delay, then it's you are responsible. So Saturday would be the Viva following your project work. So be prepared. If you have any issue, ask me in group. We will take care of it. Thank you.